स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या करना होगा? स्पोर्ट्स में आने के लिए अगर आप काउंटर स्ट्राइक की बात करो तो आपको टीम बना के टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे ब्रो। एंड एक बात मैं आपको और बता दूं, जितना जितनी गेमिंग बाहर से इजी लगती है ना आपको कि यार हाँ ये लोग सब जा रहे हैं स्टेज पे, बड़े बड़े ESL के ट्रॉफीज उठा रहे हैं, जीत रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, एंड यू नो देर आर फैंस इन द फ्रंट। एक चीज और बता दूं कि जितना लोगों को इजी लग रहा है ना उतना इजी है नहीं। सो यू नो मे बी वन डे यू विल गेट एंग्री एंड यू नो यू विल गो टू योर पेरेंट्स कि आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, यू आर नॉट अ गुड डैड, यू आर नॉट अ गुड मॉम, यू शुड बाई मी अ कंप्यूटर, आई कैन डू दिस, आई वॉन्ट टू बिकम अ गेमर, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, बाई मी अ गेमिंग PC, बाई मी अ प्रोसेसर, बाई मी अ ग्राफिक कार्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू ओनली टू यू नो यू हैव अ हाउस, यू आर ईटिंग वेल, यू डोंट नो लाइफ आउटसाइड, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाइंग ऑल दीज एक्सपेंसिव थिंग्स वुड टेक अ टोल ऑन योर पेरेंट्स अनलेस अंटिल योर पेरेंट्स आर नेम इज टाटा बिरला और अंबानी, और यू नो यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली, और टचवुड इफ यू डोंट यू शुड बिकम रिच, आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। वो तो होना ही चाहिए सबके साथ, बिकॉज मेहनत करोगे तो पैसे तो आपको मिलने ही वाले, लेकिन जिनके पास अभी फिलहाल नहीं है तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पेरेंट्स पे मत डालो। अभी भी ऐसा नहीं है कि गेमिंग अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं की तो आप खत्म हो जाओगे एंड यू नो यू विल फिनिश एंड देर विल बी नो फ्यूचर फॉर यू। एक तरीका होता है ब्रो, ये तरीका आपको समझना पड़ेगा लाइफ जीने का। येस योर पैशन इज हेयर, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी पैशनेट एंड यू वॉन्ट टू बिकम अ गेमर, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ गेमर, ठीक है। आप करो साइड बाय साइड, आप एक घंटा खेल रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको जो लाइफ चलाने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी ना वो है पढ़ाई, आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट नो, यू कांट सी द फ्यूचर कि यार आगे जाके आप गेमर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। मैंने चार पांच चीजें की हैं यहाँ पहुंचने तक। आई वॉज अ DJ इन बिटवीन, आई वॉज अ मॉडल इन बिटवीन, आई वॉज अ फिटनेस गाय इन बिटवीन, मैं मेरे पोर्टफोलियोज में एक्टर बनने के लिए मैंने धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिलीज और ये सब में जाके डाले थे। तो हर जगह से आपको ऐसा नहीं आ जा भाई, हाँ तू यहाँ भी आ जा, तू यहाँ भी आ जा, वी विल मेक यू अ स्टार, वी विल मेक यू अ गेमर, वी विल मेक यू व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, ऐसा नहीं होता है। देर आर फेलियर्स ऑल्सो इन योर लाइफ एंड देर विल बी सक्सेस ऑल्सो, बट ड्यूरिंग दोज फेलियर्स यू हैव टू स्टे टुगेदर एज अ फैमिली, यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स, यू हैव टू फाइट दोज स्ट्रगल्स बिकॉज योर पेरेंट्स ऑल्सो हैव फॉट देम। किसी के पेरेंट्स को कोई घर आके पैसा नहीं दे रहा है कि ठीक है ये लो अपने बच्चे को जो बनना है बना दो और ये लो आपको जो खाना है खा लो। योर पेरेंट्स गो आउट इन द मॉर्निंग, दे वर्क, दे वर्क, दे वर्क, दे कम बैक, दैट्स व्हेन यू गेट फूड, दैट्स हाउ द फूड कम्स ऑन योर टेबल, दैट्स हाउ एजुकेशन कम्स टू यू, दैट्स हाउ यू हैव अ हाउस टू स्टे, यू नो। ये सब चीजें कोई समझता नहीं है सबको। अभी कैसा है, जो बच्चे होंगे जो 10-12 साल के होंगे, दे आर स्टिल इन दैट क्या बोलते हैं माइंडसेट, योलो, यू ओनली लिव वंस। यार वो योलो बोलने में और योलो करने में मजा आता है, बट कभी अपने मॉम और डैड को देखा है आपने योलो करते हुए? अगर उन्होंने योलो कर दिया होता ना तो आप यहां नहीं होते आज। वो भी एक चीज कभी सोचा करो, सबको भी लगेगा कि यार क्या बाबा वाली बातें कर रहा है, यार क्या ये बुढ़ो वाली बातें कर रहा है, ये क्या अपने आपको समझता है। मैं कुछ नहीं समझता अपने आपको भाई, आई एम जस्ट अनदर गेमर लाइक यू गाइस हुज वर्किंग हार्ड फॉर हिज ड्रीम्स, बट मुझे ये चीज समझने में आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लग गया एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू यू नो टेक दैट टाइम, बिकॉज अगर मेरे को समझ में आ गया तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ना। मे बी आप और आपसे भी मैं अभी काफी चीजें सीखता हूँ। I keep learning from you guys. Whenever I do meetups, there are so many fans who come. They tell me their stories. We share our stories with each other. बहुत सारी चीजें समझ में आती है और उनको मैं यही बोलता हूँ, गेमिंग खत्म नहीं हो रही है। There is a lot of time for gaming to you know grow in India. अभी सिर्फ बढ़ना शुरू हुआ है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप you know parents को force करो कि भाई मुझे gamer ही बनना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई नहीं करना is not the solution. अगर आप पढ़ाई नहीं करना बोलोगे ना तो गलत जगह टारगेट होगा। कैसे? गेमिंग इज एडिक्शन। मेरे बेटे को पढ़ाई करने नहीं दे रही गेमिंग, मेरे बेटे को पढ़ाई नहीं करने दे रहा कंप्यूटर, इसको बंद करो, वायरें निकल जाएंगी, कंप्यूटर टूट जाएंगे, कंप्यूटर उठ के पैक करके कहीं और रख दिए जाएंगे, आपको ये सब करना है? नहीं करना है ना। सोल्यूशन ये है, बात करो, मेक देम अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आ रहा और पढ़ाई करो, मेक योर ग्रेड्स बेटर एंड देन टेल देम कि अच्छा मुझे थोड़ा टाइम खेलने दो एंड दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज उन्होंने आपसे ज्यादा लाइफ देखी हुई है यार, वो तो रियलिटी है ना। और हम किसके लिए कर रहे हैं सब चीजें? हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं ना। हमारे पेरेंट्स ने किसके लिए किया? हमारे लिए किया।
तो अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर जी के क्या मतलब हुआ ये लाइफ, ऐसा मुझे लगता है। अभी लोगों को एकदम चिल्ड आउट वो चाहिए कि नहीं भाई मोबाइल मिल जाए, आई विल रिप्रेजेंट माई कंट्री, पीसी मिल जाए, आई विल रिप्रेजेंट माई कंट्री। इतना ईजी होता तो यार हर कोई कर रहा होता ना, इतना ईजी होता तो हर कोई कर रहा होता। आज हर किसी के पास मोबाइल है, आज हर कोई अपना अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पैशन, सम लक, एंड यू नो सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। सब चीजें जब साथ में आती है ना तब जाके आपको थोड़ा सक्सेस के पास आप पहुंचते हो, नहीं तो आपको फाइट ही करना पड़ता है हमेशा स्ट्रगल्स को, अपनी लाइफ को, कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा होता है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप वो रेज और वो एंगर में होते हो कि यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे मेरा मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मेरे को प्रोफेशनल गेमर बनना है, मुझे कोई टीम में नहीं ले रहा, वो सब गलत है। माई वॉन्ट डू गेमिंग बट माई पेरेंट्स आर टेलिंग गेमिंग इज इलीगल, वॉट टू डू। इवन माई पेरेंट्स थॉट दैट यू नो गेमिंग वॉज समथिंग लाइक गैम्बलिंग, बट देन स्लोली स्लोली वेन दे गॉट टू नो, वेन आई मेड देम अंडरस्टैंड, दे वर काइंड ऑफ ओके कि ठीक है यार इट्स नॉट गैम्बलिंग। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप बाहर की कंट्रीज का सिनारियो नहीं दिखा सकते अपने पेरेंट्स को, बिकॉज दे विल से कि वो वहां हो रहा है। आपको इंडिया से किसी को दिखाना पड़ेगा, और इंडिया से किसी को दिखाने के लिए इंडिया में किसी को बड़ा होना पड़ेगा, बात ये है। और जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, एंड दैट्स द रीजन आई कीप रिक्वेस्टिंग यू गाइज, अगर आपका कनेक्ट मेरे साथ नहीं है इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डोंट लाइक द स्ट्रीम, इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर जिसको आपको सपोर्ट करना है ना, आप उसकी स्ट्रीम लाइक करो, गो एंड वॉच हिम, सब्सक्राइब हिज चैनल, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट ऑन हिज इंस्टाग्राम पोस्ट, कमेंट ऑन फेसबुक, लाइक हिज फेसबुक पोस्ट, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड कंसिडर्स एंड फील्स एंड अंडरस्टैंड्स दैट यू आर ग्रोइंग एंड यू आर अ सेलिब्रिटी। And we in India need one gaming superstar. Otherwise, I don't think anything is going to change. जहाँ तक मेरा experience बोलता है, अभी right now you remove brand ambassador of Intel from me, you remove brand ambassador of Alienware from me, you remove sponsored by Corsair, you remove sponsored by Dell, sponsored by Alienware, sponsored by Gold Gym, you remove this Red Bull fridge out of this frame. And then you go to your parents and tell them, okay, he's Venom, he's winning tournaments in India, he's a professional gamer. They will say, okay, theek hai. For them, winning tournaments in India, getting that trophy home, is just like winning a relay race in school during your annual day. Main aapko bata raha hun. Ye jab brands picture mein aaye hai na mere saath, and these opportunities that I am getting, tab jaake ye articles in Hindustan Times, front page of Bombay Times, Delhi Times, Ucipher MTV show, advertisements of Alienware, advertisements of Intel. Now, people are taking me seriously. आपके पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे मेरे जो family में है and मेरे जो relatives हैं, मेरे जो neighbors हैं, they have started taking me seriously. Because I am earning well. Because my bank balance is growing. Because I am there. People are watching me. मुझे ब्रो, मैं बता रहा हूं आपको फ्रेंकली, ये मुझे भी यूट्यूब पे ग्रो करना आता है, मुझे भी ये लोगों को लाइक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ये सब करना आता है। मैं भी अपनी मसल्स की फोटो डाल सकता हूँ बड़े बड़े थंबनेल में, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आज नहीं तो कल मे बी वो करना पड़े, यू नेवर नो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, बट फिलहाल मैं अपने वे से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा तरीका है लाइफ जीने का, जो मेरा तरीका है, क्योंकि मेरे को उसमें भले स्लो प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन मेरे को प्रोग्रेस मिलती है, बिकॉज मैं जो भी करता हूँ मैं दिल से करता हूँ। मेरे फैंस का कनेक्ट भी मेरे दिल से ही है, मैं जैसा पहले था वैसा ही अभी हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। 2 साल से लोग मुझे देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा। राइट, बहुत तू फ्रैंक है भाई। भाई फ्रैंकी सी, अभी मैं जिस पोजिशन पे हूँ, अभी मेरे को 300 लोग देख रहे हैं, अब क्या इन 300 लोगों के पास और कुछ काम नहीं है? इफ समवन इज वॉचिंग यू, इफ यू हैव फैंस, देन यू नो इट्स योर ड्यूटी टू टेल देम द ट्रूथ। अभी मेरे फैंस, टचवुड, आई एम ब्लेस्ड दैट यू नो आई हैव सच अंडरस्टैंडिंग फैंस। यू गाइस वोंट बिलीव,
आई डिड सब गेम स्ट्रीम फॉर इंटेल. बड़े प्यार से पीपल न्यू कि ठीक है, इट्स अ स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटेल, ही इज मार्केटिंग इंटेल. बड़े सब लोग ने इंटेल i9 स्पैम किया, दे प्रमोटेड इट मी, एंड आई एम नॉट पेइंग दिस पीपल, आई एम नॉट पेइंग द व्यूअर्स, आई एम नॉट पेइंग द मॉड्स. सब बड़े प्यार से अच्छे से बातें कर रहे थे, मेरे स्पॉन्सर्स थे चैट में उस टाइम पे, एंड यू वोंट बिलीव व्हाट दे सेड. योर कम्युनिटी इज द क्लीनेस्ट कम्युनिटी वी हैव सीन ऑन यूट्यूब. योर फैंस आर द मोस्ट पैशनेट फैंस वी हैव सीन ऑन यूट्यूब, एंड दैट्स द रीजन वी सपोर्ट यू. मेरे पास नंबर्स नहीं है, आई डोंट हैव 10,000, 20,000, 30,000 पीपल वॉचिंग मी. आई डोंट हैव 100K, 200K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. आई डोंट हैव 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. आई एम अ वेरी स्मॉल गाय, आई एम जस्ट लाइक यू गाइज, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वर्किंग हार्ड फॉर हिज ड्रीम्स, वॉन्ट टू मेक समथिंग ऑफ हिज पैशन विच इज गेमिंग, एंड वॉन्ट्स टू मेक हिज फैमिली प्राउड. जो आपका थॉट प्रोसेस है वो मेरा थॉट प्रोसेस है. वी आर नॉट डिफरेंट, एंड दिस इज वॉट ब्रांड्स आर सीइंग. सो सही तरीके से भी आप ऊपर जा सकते हो. आपको जरूरी नहीं है ना यू हैव टू अब्यूज, यू हैव टू एंटरटेन पीपल बाय डूइंग वियर्ड स्टफ. आप हो ही नहीं वैसे तो आप क्यों करोगे. पहले मुझे भी लोगों ने बोला, भाई तू इतना जो सिंपल करता रहता है ना, बैठ के स्ट्रीम पे बात करता रहता है लोगों से, ना लाइक मांगता है, ना सब्सक्राइबर्स मांगता है, ना लोगों को डोनेट करने बोलता है, ना लोगों को स्पॉन्सर करने बोलता है. तेरे को कभी स्पॉन्सर नहीं मिलने वाले, तेरे को कभी लाइक्स नहीं मिलने वाले, तुझे कभी सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, तुझे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. अरे मैंने बोला कैसे नहीं होगा भाई, मैं मेहनत करूंगा, एंड इफ आई बी ट्रू टू माई सेल्फ, इफ आई बी ट्रू टू द पीपल हु आर वॉचिंग मी, कैसे नहीं मिलेंगे. चलो मैं देखता हूँ. आई टुक इट एज अ चैलेंज. आज है ना 30K सब्सक्राइबर्स, आज स्ट्रीम पे 500-600 लाइक्स आते हैं ना, 50-100 लोग देखते हैं ना, इट्स बेटर नो. जो मैंने काम दिल से किया, इफ आई हैव द कनेक्ट विद पीपल, मेरे लिए वो बेटर है. मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे पास 100K सब्सक्राइबर्स और मैं किसी को जानू ही ना. वैसा करना होता तो यार मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बहुत पहले कर लिया होता. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं है ब्रो. व्हेन आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई मीट यू गाइस ड्यूरिंग मीटअप्स ना, आई सी अ मच हार्ड वर्किंग वेनम, मच पैशनेट, मच मोर पैशनेट वेनम इन यू गाइज. आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, समझ जाओ उसमें. तो यू गाइज कैन गो वे वे मोर हायर देन आई एम टूडे राइट नाउ. लेकिन उसके लिए वी नीड टू क्रिएट एन एग्जाम्पल फ्रॉम आर ओन इंडियन इंडस्ट्री. That's what I'm trying to do. अब आपको भी पता होगा, when you go to your parents, अगर आपने बोला गेमर बनना है, क्या बनना है, गेमर बनना है, क्यों होता है वो? Because of these misconceptions, जो लोगों ने create किए हुए हैं. यार gamers are arrogant, gamers give bad words, gamers are lethargic, gamers are fat, उनको back pain होता है, उनको eyes पे strain आएगा, वो specs पड़ जाएंगे, computer के सामने बैठे रहते हैं, गालियां बहुत देते हैं, और सारी उल्टी सीधी चीजें gamer ही करता है. Everything bad gamers only do. Bhai, I am also a gamer. I am a professional gamer. I have been playing since 10 years. Aisa nahi ki maine just start kiya gaming. I don't have specs. I take care of myself. I don't give bad words. I don't smoke. I don't drink. वो क्या हुआ मालूम है, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने किया था ना चालू गेमिंग वेमिंग, जो भी जो काफी पॉपुलर हो गए ना, उनकी उन्होंने थोड़ी गालियां वालियां दे दी होंगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दिया होगा, तो लोगों को लगा कि सब लोग ऐसे ही है. अरे हर किसी का तरीका ऑफ लिविंग दिस लाइफ इज डिफरेंट. नो ऑफेंस टू एनीवन, वो उनकी लाइफ है, अगर उनको गाली देके जीनी है वो गाली देके जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको नहीं देखना मत देखो, लेकिन यू कांट कंपेयर एवरीबॉडी टू दैट गाय कि नहीं सब वैसे ही है, ये गेमिंग गलत है, गेमिंग को बैन कर दो. अरे गेमिंग को क्यों बैन कर दो, गेमिंग को बैन क्यों कर दो, बाकी लोग भी तो है. मेरे से हजारों लोग बेटर है इंडिया में. देर आर सो मेनी मोर पैशनेट गेमर्स, दे नीड वन चांस. अगर एक बार किसी के पेरेंट ने उसका शोल्डर पैट करके बोल दिया ना कि आई एम विद यू सन, अब देखो इंडिया में कैसे सुपरस्टार्स निकलते हैं. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वी हैव टू फर्स्ट वर्क वेरी हार्ड. दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हु कीप सपोर्टिंग मी, हु कीप प्रेइंग फॉर मी. एंड फॉर मी सपोर्ट इज नॉट यू गाइज लाइकिंग द स्ट्रीम और यू नो सब्सक्राइबिंग टू द चैनल or you guys following me on Instagram, Facebook and Twitter. Yes, all of that helps. The more numbers I generate, the more I will become famous, the more I will get branched into this industry. That's how the industry works. But for me, those guys who don't like me and don't want to support me in that way, mere liye sirf wo nahi hai. Agar aapko mujhe help nahi karna, koi baat nahi hai. Lekin if I somewhere connect with you na, when you pray for your family, when you pray for your brother
एंड इफ यू थिंक दैट यू नो आई डिजर्व अ सेकेंड इन दैट दैट विल बी मोर देन इनफ. आई नेवर आस्क फॉर पीपल टू यू नो जस्ट स्पॉन्सर मी, जस्ट लाइक द स्ट्रीम, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी फेसबुक, कमेंट ऑन माई पोस्ट. आई ऑलवेज आस्क एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रेयर्स. दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ. कि यार कल को इफ समथिंग हैपेंस, यू नो लाइफ इज नॉट परमानेंट यार, वी ऑल नो वी हैव टू दैट इज गोइंग टू हैपन. बट आई ऑलवेज वॉन्ट कि यार जब मैं जाऊँ सो यू नो देर शुड बी पीपल हु वुड से कि यार ही वॉज अ नाइस गाय, he didn't do anything wrong and he always tried to help. Because my parents have only taught me this ki yaar paisa aap aaj nahi to kal kama loge by working hard, but jo izzat hai wo kamane mein logon ko bahut time zyada time lagta hai, and agar aapne izzat kama li na to aap kabhi bhookha nahi maroge. To isliye mujhe main maru chale, main bhookha maru koi problem nahi hai, lekin meri family ko kabhi nahi wo din dekhna chahiye. Iske liye main itni sari cheeze karta rehta hu. And jump when I talk to your parents ड्यूरिंग मीटअप्स, अगर अपने कोई मॉम और डैड को ले आता है, ब्रो पहले मैं डरता था कि यार शिट ही इज गेटिंग हिज डैड, ही इज गेटिंग हिज मॉम, अब मैं गया, नाउ दे आर गोइंग टू टेल मी दैट यू नो यू हैव रुइंड माय सन्स लाइफ, यू शुड स्टॉप गेमिंग, यू शुड टेल हिम टू स्टॉप गेमिंग, वॉट इज ऑल दिस नॉनसेंस. बट इट हैज चेंज्ड. नाउ देयर पेरेंट्स टॉक टू मी फॉर हाफ एन आवर, वन आवर, एंड आफ्टर लिसनिंग टू मी, आफ्टर वी शेयर दैट फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे दे टैप एंड से गॉड ब्लेस यू सन, आई एम ग्लैड दैट माई सन इज योर फैन, आई एम ग्लैड दैट ही हैज टेकन यू एज अ रोल मॉडल. तो ये सब चीजें मेरी मॉम ने जब सुनी शी वॉज सरप्राइज, यार ये क्या हो गया. मतलब चलो मेरे को लगा बच्चों को तो ये इन्फ्लुएंस कर देगा, लेकिन अगर पेरेंट्स इसको ट्रस्ट कर रहे हैं मतलब मेरा बच्चा कोई गलत काम नहीं कर रहा है. सो यू नो क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं आपस में, जैसे हम गेमर्स एक दूसरे को समझते हैं वैसे पेरेंट्स एक दूसरे को समझते हैं. तो अभी आप ही बताओ ना, कैन यू गाइज टेक योर पेरेंट्स टू एनी अदर गेमर एंड टेल देम कि ठीक है मुझे एस जैसा बनना है. ठीक है मैं नहीं बोल रहा सिर्फ मैं हूं, दो चार लोग और होंगे या 200-400 लोग और होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव सीन इज मोस्ट ऑफ द गाइज कम टू मी ओनली, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू नो हेल्पिंग यू गाइज एंड मेकिंग योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे भी चाहिए कि यार आई विल प्ले फॉर एटलीस्ट 5 more years, उसके बाद क्या 15-20-25 साल थोड़ी ना खेलते रहूंगा मैं यार. लेकिन इफ इन दोस 5 years आई डोंट मेक समथिंग कंसिस्टेंट ऑफ माई पैशन, देन आई विल ऑल्सो हैव टू लीव, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. बिकॉज इफ आई लीव ना, तो जितना मुझे आज लोगों ने ऊपर चढ़ाया ना, जो पेरेंट्स का सपोर्ट है और जो दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है इतना, इफ आई इन द नेक्स्ट 5 years आई डोंट मेक समथिंग बिग इन गेमिंग, इफ आई डोंट बिकम समथिंग बिग इन गेमिंग, इफ आई डोंट हैव दैट बैंक बैलेंस थ्रू गेमिंग, कोई नहीं समझने वाला. और सब यही बोलेंगे देखा वेनम ने भी ट्राई किया था, उसका हाल देखो क्या हो गया, कोई गेमर वेमर नहीं बनना. एंड अगले 5 सालों के लिए सब गेमर्स के लिए बंद हो जाएंगे डोर्स, जो मुझे नहीं चाहिए. इसलिए मैं एक काम नहीं करता, मैं 4-4, 6-6 काम करता हूँ, भले मेरे को कम सोने मिलता है, दैट डजंट बॉदर मी, बिकॉज आई नो वॉट इज एट स्टेक. प्लीज सपोर्ट वेनम. अरे यू गाइज आर ऑलरेडी सपोर्टिंग मी ब्रो, यू गाइज आर ऑलरेडी सपोर्टिंग मी, यू गाइज डोंट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू गाइज, यू ऑल actually. And I just want that, you know, gaming becomes something big in our country so that you guys don't have to face the struggles that I have faced. Aur kuch nahi hai. Lekin uske liye ek cheez hai ki mujhe paise bahut kamane padenge. Wo to ek hai. Aur wo to main kamaunga. I am going to earn a hell lot of money from gaming. That's for sure. One, to give my family all the luxuries. And two, to make people understand that, you know, gaming can be taken as a career.